नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीच पाठशाला। आपसे का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, बहुत दिनों बाद आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मीन्स उन लोगों के लिए जिनके लिए काउंसलिंग में बहुत वीडियो बनाया था, या सीयूटी 2023 के प्रिपरेशन के दरमियान तैयारी के लिए बहुत वीडियो बनाया था। तो प्लीज आप लोग अपना हालचाल जरूर मुझे कमेंट करिएगा कि अभी कैसा चल रहा है आप लोग की पढ़ाई लिखाई। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ बीएचयू के छात्रों के लिए। बच्चों की इंक्वायरीज थी मेरे इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे और भी सोशल मीडिया पे, वीडियो में भी कमेंट आ रहा था कि सर बीएचयू का जो 22 तारीख का पेपर है यानी 22 जनवरी, वो होगा कि नहीं होगा। तो अभी मेरे पास एक कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन से ऑफिशियली एक नोटिस आई हुई है जिसमें अच्छे से मेंशन है कि आपका एग्जाम होना है नहीं होना। और ये समस्या इसलिए आन पड़ी, लोग कंफ्यूज इसलिए हो गए क्योंकि एक नोटिस आई जिसमें बीएचयू को क्लोज कर दिया गया, यानी 22 को बीएचयू को क्लोज कर दिया गया। कहीं भी ये मेंशन नहीं था कि जो सेमेस्टर एग्जाम है जो चल रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, जिन लोगों के भी, तो वो होगा कि नहीं होगा, ये उसमें मेंशन नहीं है। तो फाइनली आज वो नोटिस ऑफिशियली आ चुकी है जिसमें ये मेंशन है कि आपका एग्जाम होना है कि नहीं होना। प्लीज इस वीडियो को अपने हर एक दोस्त तक पहुंचा दीजिएगा, अपने हर एक ऑफिशियल ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, ध्यान दीजिएगा कि बीएचयू पाठशाला पे यूजी एंड पीजी 2024 की प्रिपरेशन बहुत ही स्मूथली चल रही है। आपके जो अलग अलग सब्जेक्ट का टीचर है वो पढ़ा रहे हैं। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपसे जुड़े हुए घर परिवार, आपके दोस्त यार मित्र में बहुत लोग होते हैं जो तैयारी कर रहे होते हैं। तो आप लोग उन्हें जरूर रिकमेंड करिएगा, बड़े ही विद्वान टीचर है, बड़े ही बढ़िया नॉलेज के साथ वो अपनी पूरी कंटिन्यूटी के साथ, बड़े ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपनी पढ़ाई करा रहे हैं अपने बच्चों के लिए। सो प्लीज रिकमेंड करिएगा। डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, उस पर आप कॉल करने के लिए बोलिएगा और बेसिकली जो भी उनकी काउंसलिंग होगी कराई जाएगी और कोर्स उनको रिकमेंड किया जाएगा। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, क्योंकि दो यहां पे बात मैं आज रखने वाला हूं। एक तो आपका जो डेट है वो कंफर्म कर रहा हूं कि 22 को आपका एग्जाम नहीं होगा, यानी 22 जनवरी को जो एग्जाम है वो रीशेड्यूल किया जाएगा। ये आपके जो डीन होंगे, जो आपके डिपार्टमेंट के एचओडी होंगे, जो आपके इससे रिलेटेड कोऑर्डिनेटर होंगे, वो लोग आपको बता देंगे जो नया डेट आएगा वो कब आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि ये ओनली 22 के एग्जाम के लिए किया जा रहा है, बाकी एग्जाम जैसे शेड्यूल्ड है आई थिंक वो उसी तरीके से ही कोऑपरेट किए जाएंगे। प्लीज आप लोग अपने टीचर के टच में रहिए और वो लोग आपके आगे चीजें कंफर्म करेंगे। तो 22 का जो एग्जाम है वो ऑफिशियली कैंसिल हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, दूसरी बात ये है कि सर जो 70 मार्क्स का हमारा थ्योरी का पेपर होता है उसमें हम लोग अच्छे मार्क्स कैसे लाए, यानी अ गुड कॉपी राइटिंग जो होता है वो हम लोग कैसे लिखे। क्योंकि आप लोग जस्ट 12वीं के बाद आ रहे हो, या जो पीजी के बच्चे हैं वो किसी और यूनिवर्सिटी से अभी तक पढ़ाई किए हुए हैं, ठीक है, और वहां पे कॉपी राइटिंग का हो सकता है कोई दूसरा मैनर रहा हो, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं वो वरीड हो रहे हैं कि सर यहाँ पे हम लोग कॉपी कैसे लिखेंगे, हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आए और हम बहुत बढ़िया स्कोर कर सके। तो आप लोग के लिए मैं बहुत पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें टाइटल है, हेडलाइन है, 70 में 70 कैसे लाए। थोड़ा सा वो अतिशयोक्ति हो गई है लेकिन अब थंबनेल बनाना पड़ता है उस तरीके से। तो प्लीज आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि मैंने पूरे आपके 3 सेक्शंस को अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है कि इतने नंबर क्वेश्चंस को इतने शब्दों में लिखना चाहिए, कौन से क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, प्रोफेसर को क्या अट्रैक्ट करता है, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, ये तमाम चीजें। यहां तक मैं ये भी डिस्कस किया हूं उसमें कि आपको जब कुछ ना आए तो भी आपको अपनी कॉपी जो है वो ब्लैंक नहीं छोड़नी है, क्वेश्चन को अनअटेम्प्ट नहीं करना है, अटेम्प्ट जरूर करना है, तो उसमें क्या लिखे ऐसा कि आपको मार्क्स मिलने की संभावना रहे, ये तमाम चीजें जो है वो मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज आप उस वीडियो को देखिए। जिससे कि आप सभी जो बच्चे मुझे बार बार मैसेज कर रहे हैं कि सर अभी से सोचने लग रहे हैं कि सर कम से कम कितने नंबर लाना है, भाई कम से कम के लिए सोचो ही मत यार, बीएचयू में पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे सीजीपी बहुत अच्छा बनता है। मैं इतनी सारी चीजों के साथ, जब मैं था तो मेरे 8+ सीजीपी बने हुए हैं, जबकि मैं इतने सारे काम करता था, क्लासेस लेना, यूट्यूब पे भी काम, इंटरव्यू लेना, फिर भी ये सब चीजें हैंडल हो जाती थी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी बहुत अच्छा स्कोर करोगे। इवन जिन लोग के मेडल्स के ड्रीम है, जो चाहते हैं कि आगे चल के उनको मेडल मिल जाए, जो चाहते हैं कि उनके और भी जो स्कॉलरशिप ऐसे प्रोग्राम होते हैं कहीं पे मेरिट की वजह से ना रुकने हो, उसमें अच्छे मार्क्स आए, तो ये सब चीजें भी वो अभी से ध्यान दोगे तो हो जाएगा। सो प्लीज अपनी पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट रहे। बहुत फेस्ट वगैरह सेलिब्रेट कर लिया तो अब फाइनली आप मेरे लड्डू का इंतजार कर रहे हो, तो लड्डू मैं बहुत जल्द खिलाने वाला हूँ। आप लोग के एग्जाम्स बीच में आ गए हैं, सो दैट्स व्हाई मैंने उसको अभी कहीं ना कहीं होल्ड कर रखा है, बट हम चाहते हैं कि हम भी आपसे मिले। बहुत सारे बच्चे मिलते हैं तो कहते हैं कि हरे नमस्कार हम सर, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लड्डू वाली बात जो है वो हम लोग अभी अपने जहन में रखे हैं कि आपको खिलाना है, वो मैं बहुत जल्द खिला दूंगा। तो मुस्कुराते रहे, बहुत सारी शुभकामनाएं। प्लीज आप लोग एज ए सपोर्ट इस चैनल को अपने स्टेटस पे लगाएं, अपने जूनियर जो स्कूल है, जो कोचिंग्स है, उनको रिकमेंड करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग
ऑफिशियली और अनऑफिशियली बहुत अच्छा आपके लिए वीडियोज बनाते हैं, आपके लिए पढ़ाने का काम करते हैं, तमाम चीजें जो है, और बहुत सारी चीजें तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके लिए करते हैं। आप लोग भी देखे होंगे काउंसलिंग में कितनी ज्यादा आपके लिए मेहनत की गई थी, तो आप लोग का भी सहयोग मिला, मुझे अच्छा लगा। सो प्लीज चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें इस वीडियो को, चैनल को वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें अपने ग्रुप में, जिसको ये अभी नहीं पता था कि हाँ भाई इसको एग्जाम हुआ कि नहीं, तो फाइनली आप लोग कन्फर्म हो जाए। थोड़ी लंबी बात होगी, बड़ा दिन बाद मिलना हुआ था, अच्छा लगता है अपने बच्चों से मिलके। मुस्कुराते रहिए, बहुत से शुभकामनाएं, हर हर महादेव। ध्यान दीजिएगा 22 को राम जी का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है अयोध्या जी में, वहां पे उनकी प्रतिमा जो है स्थापित होने जा रही है, तो आप लोग भी अपनी आस्था दिखाएं। और बाकी बहुत सारे मुद्दे हैं जो डिस्कस करने के लिए हैं, लेकिन वो हम लोग कभी बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेरा एक और चैनल है निर्दर्शन, वहां पे मैं डिस्कस करूंगा एक्चुअली लॉजिकली क्या सही है क्या गलत है। तो अभी तो फिलहाल आप बस राम जी को देखें, मुस्कुराते रहें, अपनी पढ़ाई मन से करें, पठन पाठन में कोई कमी नहीं होना चाहिए, और बाकी सियाराम जी का नाम लेते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर हर महादेव।